कश्मीर नहीं, हमारी तो दौलत जी बच्चे ही थे दोनों। कैसे हैं आप सब लोग? आप देख रहे हैं बहुजन नेटवर्क, मैं हूं आपका दोस्त सोनू निगम। तो साथियों, कुछ दिनों पहले आपको एक जानकारी से रूबरू करा दूं। कुछ दिनों पहले करेरा में एक घटना हुई थी जहां पर जो खालिद मुसलमान नाम के व्यक्ति की जो है हत्या कर दी गई थी जुआ खेलते समय। आज मैं उनके परिवार से मिलने जा रहा हूं और उनके परिवार को बाकी में अभी तक इंसाफ मिल पाया है कि नहीं पुलिस प्रशासन। तो साथियों, उनके परिवार से मिलना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि उनका लगातार एक दो बार मुझे फोन आ गया है और बोल रहे थे कि भैया अगर आप कुछ थोड़ी सी अगर वीडियो डाल के दिखा सकें, लोगों को बता सकें, दी उनकी कुछ मदद की जा सके। आज का वीडियो बनाने का मकसद कुछ इस प्रकार से भी है कि ताकि उसके परिवार को जो है इंसाफ मिल सके। मैं उनके घर पर हूँ जिनके बारे में अभी मैं थोड़ा सा स्टार्टिंग में आपको वीडियो में बता रहा था। आपको बता दूं, मैं कुछ दिनों पहले लगभग 10 से 15 दिन पहले एक घटना हुई थी जिसमें खालिद नाम के एक व्यक्ति को जो है ताश, जिसे हम जुआ भी बोलते हैं, उसको खेलते समय जो है उनको गोली मार दी जाती है। बाद में जब इसका विरोध किया जाता है और थाने के पास जाकर इसका चक्का जाम करके FIR दर्ज होती है, लेकिन FIR दर्ज होने के बाद भी आज लगभग 10 से 20 दिन हो गए लेकिन किसी भी व्यक्ति को जो अभी तक हिरासत में नहीं लिया गया है। आज मैं उनके परिवार से बात करूंगा, तमाम उनकी जो मांगे हैं वो मांगे पुलिस प्रशासन से भी और आप सब लोगों से भी, आप लोगों को उनकी आर्थिक मदद भी करना है। तो साथियों, इस वक्त मेरे साथ उनकी जो माताजी हैं और आज हमसे थोड़ा इनसे जानेंगे। कुछ दिनों पहले हमें एक घटना का मालूम चला था जहाँ पे आपके जो पुत्र थे उनको जो किसी ने गोली मार कर हत्या कर दी गई। अब उसमें जो है उस केस में FIR भी दर्ज हो गई थी, कर नहीं गए थे लेकिन हम लोगों ने जाम लगाया जब हुई जी, जाम लगा कर हुई थी। हाँ। तो उसमें अभी तक कुछ पकड़ दखल हुई कोई को नहीं, बस एक को ले गया पकड़ गया और उसके लड़के का नाम भी दिया, उसको भी नहीं पकड़ा। हमने गांव का नाम भी बताया जी और पता भी दिया पूरा का, एक ही पंडित रहता है वहाँ पे, उसी का उसका लड़का भी आया वहाँ पे जी। तो वो कहने लगे का नाम उसका राम नाम नहीं लिखो, रहने दो, और ना उनके माँ बाप को कुछ पकड़ रहा है और ना साथियों को पकड़ रहा है, कोई को कुछ नहीं हो रहा है, हमारे साथ तो अन्याय हो रहा है। आप इस बीच अभी 2-4 दिन के अंदर थाने गए? थाने हमारा बहन का लड़का रोज जाता है थाने, उसने मना कर दी कि तुम लेडीज होगी तुम नहीं जाया करें, अच्छा नहीं लगता है, तो हमारा बहन का लड़का जाता है। कुछ आश्वासन मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा, उन्होंने साफ मना कर दिया, हमारे पास कुछ नहीं है। अच्छा। हाँ, छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको अभी हम कहाँ ले जाएंगे, इनको बताओ जी। तो साथियों मैं आपको बता दूं, जो खालिद नाम के जो व्यक्ति थे उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, कितनी छोटी सी बच्ची है उनकी, एक बच्ची और है, बच्चा है वो। अच्छा, बच्चा है, एक बच्चा और है 2.5 साल का जी। तो इस प्रकार आप देख सकते हो उनकी जो है बच्चा जी, देख एक बच्चा ये उनका और एक बच्ची है, छोटे छोटे बच्चे हैं और उनके जो माँ बाप है उन पर इस समय एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। रोज पानी पीते, हम तो टेला लगाते, मजूरी करके खा लेते हम तो जी। हमारे पास कुछ भी नहीं, हमारी तो दौलत जी बच्चे ही थे दोनों, वो कपड़े पर सब पैसा ले आता था, हम लोगों का पेट भराता था, हमारा तो बस की नहीं, हम तो वैसे बीमार रहते, हमें डायबिटीज है, शुगर है, कारण BP है, टेंशन है, हमें दुनिया की चीज है हमारे लिए तो। हमारा तो लाल चला गया, हमें तो कचरे। अब यदि शासन प्रशासन इस वीडियो को देख रहा है तो मेरी आपसे निवेदन है, अपील है, या जो भी समझिए आप जितनी भी आर्थिक मदद कर सकें उनसे करिए, क्योंकि इनका जो एक पंजीयन बोलते हैं जिससे पंजीयन के तहत और BPL के तहत जो सहायता राशि मिलती है वो भी इनको नहीं मिल पा रही, क्योंकि उसकी जो नियम कानून थोड़े अलग होते हैं। जब CMO साहब से इसकी बात की तो उन्होंने बताया कि जो एक्सीडेंट केस होते हैं उनमें ये सहायता राशि मिलती है, लेकिन जो मर्डर वगैरह होते हैं उसमें नहीं मिलती। लेकिन यदि यकीन मानिए अगर इनको सहायता राशि नहीं मिलती तो इनके जो छोटे छोटे बच्चे उनका पालन पोषण कौन करेगा? शासन प्रशासन की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी और बहुत बड़ा सवाल उठता है और सवाल पुलिस से भी उठ रहा है। पुलिस वाले कुछ नहीं कर रहे हमारे साथ में, कुछ नहीं कर रहे, अन्याय कर रहे, ना कोई ढोल ढपेल हो रही ना कुछ हो रही हमारे साथ में जी। रात रात भर हम लोग आंखें नहीं लगती, हमारी डर लगता है, हमारा तो एक ही और है, हमें डर लगता है कि हमारे घर पे हमला नहीं करते रात भर, हम क्या करेंगे, हमारे साथ कोई है ही नहीं दुनिया में। ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि ज्यादातर आपको पता होगा जब भी इस तरह के केस होते हैं मर्डर वगैरह तो जो इसलिए इनके लिए क्यों नहीं है, फरियादी जो होते हैं वो लगातार
जो है उस पीड़िता परिवार पर जो है या तो राजीनामा कराने के लिए या केस वापस लेने के लिए लगातार जो है प्रयास करते रहते हैं। और इस बीच यदि इनके परिवार के साथ इनके और भी बेटे अगर उनके साथ कोई घटना हो जाए तो वो पुलिस रहेगी जिम्मेदार है या फिर वो रहेंगे पंडित जिम्मेदार जिसने करा है हमारे साथ में हमारे बच्चों के साथ हो जाएगा तो शासन ही रहेगी जिम्मेदार। तो ये सवाल डायरेक्ट जो है पुलिस प्रशासन से उठ रहा है कि यदि उनके परिवार को किसी और को कुछ हुआ तो उसका सीधा सीधा जिम्मेदार जो पुलिस प्रशासन होगा। मैं हूँ आपका दोस्त सोनू निगम, आप देख रहे थे भोजनी टूर, धन्यवाद।